सोशल्स रेल टाउन में आपका स्वागत है। चाहे बचपन की छुपचुप गाड़ी हो, बड़े होने पर इंजन गाड़ी से बुलेट ट्रेन तक कोई भी ट्रेन हो, उसके प्रति कुतूहल और आकर्षण होता ही है। इसी आकर्षण के चलते निर्माण हुआ ये जोशीज रेल टाउन। ये है एक परिपूर्ण शहर जो बसा है मात्र 20 फीट व्यास के टेबल पर। अब आरंभ कहाँ से होगा? जहाँ से शहर आरंभ होता है, यानी पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव से। रेल के आते ही तरक्की भी आती है, गांव बदल जाते हैं शहरों में। वैसा ही थी ये गांव, जुड़वा पहाड़ों की तलहटी में बसा गांव। ये छोटा सा नाला इस प्राचीन गांव का प्रमुख आकर्षण है। इसमें बोटिंग करना मजे की बात है। कितनी सारी नावें हैं यहाँ पर। देखिए, उस टापू पर जहाँ किसी राजा की विशाल हवेली मानो छोटा सा किला है। पहाड़ी पर जाने के लिए भाप के इंजन की रेल है जो इस पुराने स्टेशन से निकलेगी। समय हो गया है उसका। आप पहाड़ी में छोटा सा रेल स्टेशन देख रहे हैं, वहां ये गाड़ी रुकेगी और तुरंत लौटेगी। इस पहाड़ी से और भी कई रेलें आती जाती है। पर क्या स्टेशन से इतनी ऊंची पहाड़ी पैदल पार करेंगे? जी नहीं, एक और उपाय है, परंतु हिम्मत का काम है। कौन सा? यदि ऊंचाई से नीचे झाड़ने की हिम्मत है तब। आप बताओ भी। केबल कार यानी रोपवे। इस पुराने स्टेशन से नजदीक है केबल कार का डॉकयार्ड। वहाँ देखो, वो जा रही है पहाड़। जैसी ही है, बहुत पुरानी फिर भी उपयोग। इस पहाड़ी पर बढ़िया ठंडक है, मानो वाली पंचगनी महाबलेश्वर है। जंगल है, घनी झाड़ी है जो मानो शहरों के गुर्दे है शुद्ध हवा के। बढ़िया दिखता है शहर यहाँ से। बिजली है तो यहाँ पवन चक्किया भी है, पुराना किला भी है, आगे पहाड़ों के कगारों पर लटकता झूलता हुआ पुल भी है। पठार पर है मैक्रो गार्डन, वही बसा है जोशी रेल टाउन का मुख्य ऑफिस। और वहां देखिए जलचक्की भी है। कहां है? खोजी तभी दिखेगी, नहीं दिखी तो वो खुद ही आगे आ जाएगी। क्या मतलब? आ जाएगी। तब तक तलहटी में पुराने रेलवे स्टेशन के परे का जंक्शन देखो। हाईवे के पुल ने दोनों स्टेशनों को जोड़ दिया है। क्या बढ़िया दृश्य है। अब स्टेशन को क्या देखना होगा? बहुत सारी बातें हैं। देखो, उस गोल मेज पर इंजन है, भाप का पुराना इंजन। ये भारी भरकम इंजन नए स्कूटरों कारों जैसे तुरंत मुड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्हें टर्न टेबल पर रखते हैं और घुमाकर मन चाहे पटरी पर उतार देते हैं। ये ऐसा। अब वे काम के नहीं है, फिर भी इस शहर ने अपनी विरासत का जतन किया है। कितना बड़ा यार्ड है ये। आपके इंजन के लिए वहां पीछे कोयले का भंडार था बड़ा।
कोयला तोड़ने की सुविधा भी थी, पर अब जरूरत कहाँ है। अब इस जगह पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए हैं। यहाँ तैयार होने वाला माल शहरों में भेजने की सुविधा हेतु कारखाने स्टेशन के नजदीक बने हैं। तैयार माल को मालगाड़ी में भरने के लिए यहाँ क्रेन भी है, ईंधन के बड़े बड़े टैंक भी है और बड़े सिरे पर बिजली निर्माण केंद्र भी है। डीजल गाड़ी है, 20 डिब्बों वाली। मालगाड़ी से कुछ टैंकर्स भी जुड़े हैं। इस जोशी रेल टाउन में आने के लिए पहले पुराना संकरा रास्ता था, अब वो बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया है। यहाँ दिन रात आना जानी बनी रहती है। और वहां देखो क्या, कारखानों के पास कमानों जैसा वो है हैंगिंग मोनोरेल, यानी केबल में उल्टी टंगी हुई रेल, पटरी ऊपर रेल नीचे। जर्मनी के वुफरटॉल नामक गांव में तीसरे सन 1901 में हैंगिंग मोनोरेल स्थापित हुई, जो आज तक कार्यरत है। भारत में ये सिर्फ दो जगहों पर है, पुणे में पहले बनी जोशी रेलवे म्यूजियम में नंबर 1 और इसी जगह पर नंबर 2 आपके सामने जोशी रेल टाउन में। कहाँ है? यहाँ नहीं दिखाई दे रही। अरे दिखेगी भाई। दिखेगी का क्या मतलब? हम शहर में घूमेंगे या शहर हमारे चारों ओर? हम हेलीकॉप्टर से शहर में जाएंगे ताकि सारा शहर हमारे चारों ओर घूमेगा। कारखानों के साथ साथ बस्तियां भी बढ़ गई, गांव की सुंदरता बनी रहे, इसलिए नजदीक ही नया शहर बसाया गया, मानो उपनगर ही। परंतु अब वही मुख्य शहर लगने लगा है। इस जगह पर आने जाने की सारी सुविधाएं इसे भाऊ जोशी टर्मिनल में उपलब्ध है, जो आधुनिक समय का जंक्शन है मानो। भाऊ जोशी के नाम से बना अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन सभी प्रकार के यातायात का ये प्रमुख केंद्र है। सभी प्रकार के वाहन यहाँ रुकते हैं, दूरगामी रेलें, मेट्रो, BRTS आदि सब कुछ। भाऊ जोशी टर्मिनल सरल, सुरक्षित, साफ सुथरा और सुंदर। यहाँ आप अपना निजी वाहन ला सकते हैं। कुसोर बहुत बड़ा पार्किंग मैदान है। अंदर सुरंग वाले रास्तों से स्टेशन में कहीं भी घूमने की सुविधा है। प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए स्वयंचलित सीढ़ियां भी हैं। इस नीली इमारत में सरकारी दफ्तर तथा कॉर्पोरेट ऑफिसेस है। स्टेशन के अहाते में इस सुविधा के कारण शहर की भीड़ पर नियंत्रण है और यही बसा है OCC यानी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। शहर के तमाम आवाजाही पर इस जगह से नियंत्रण रखा जाता है, इसीलिए यातायात की पूरी व्यवस्था आसान हो गई है। कुछ देर पहले आई मालगाड़ी अब सामान लाकर पुराने स्टेशन की ओर रवाना हो गई। क्या आपने
आपने प्लेटफॉर्म पर सफेद रंग की नुकीली नाक वाली रेलगाड़ियां देखी हैं? हाई स्पीड रेल, वे तो जोशी रेल टाउन की शान है। दुनिया की सर्वाधिक गतिमान रेलें कहाँ हैं? इस समय दुनिया की सर्वाधिक गतिमान रेल है फ्रांस की टीजीवी रेलवे, प्रति घंटा 300 किलोमीटर गतिमान, और दूसरी है जापान की बुलेट रेल, तीसरी है जर्मन की आईसीई रेल। क्या इनके सिग्नल्स आम गाड़ियों की तरह ही होते हैं? नहीं, गतिमान गाड़ियों के सिग्नल्स इन कैब की तरह होते हैं, यानी ड्राइवर को गाड़ी में ही सिग्नल दिखता है। आम गाड़ियों में सारे मूविंग ब्लॉक सिग्नल्स होते हैं। भावसोशी टर्मिनल पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है, आप यहाँ कार से आ सकते हैं, यहाँ हाई स्पीड सुविधा है, मालगाड़ी भी है और मेट्रो भी। मेट्रो भारत के सभी शहरों में आए, शहर में मेट्रो ही एकमात्र विकल्प होगा। मेट्रो स्टेशन की रचना पानी की बूंद के आकार की है। मेट्रो स्टेशन 3 मंजिला है, निचली मंजिल में दुकानें आदि, दूसरी मंजिल पर टिकट की सुविधा है, यहाँ तक कोई भी आ सकता है, परंतु तीसरी मंजिल में बिना टिकट के प्रवेश नहीं। चलिए इस मेट्रो से हम यहाँ का अम्यूजमेंट पार्क देखने जाएं। इस मेट्रो का आकार घोड़े की पालान जैसा है, पुरानी बातों से प्रेरणा लेकर ये शहर नया बन गया। लो, आ गया अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ बड़े मजे हैं, फेरीज व्हील, मेरी गो राउंड, ऑक्टोपस, स्विंग बोर्ड्स, रेनबो, फ्री फॉल और मन चाह सब। शहर में निजी कारें नाम मात्र है, आने जाने की बढ़िया सुविधा मिलने पर ड्राइविंग के झंझट कौन करे? उस दर्रे में रास्ता बन रहा है, शहर बनाना एक निरंतर काम है, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, बुलडोजर, जेसीबी, क्या कुछ नहीं है यहाँ। पर कोई हड़बड़ कदापि नहीं, चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे और शांति है। उनके नीचे कुछ खाली प्लॉट्स दिख रहे हैं, वे नए घरों के लिए उपलब्ध है। लोग आए कुछ काम करें, इस शहर को समृद्ध बनाएं, इस शौक में रुचि ले, ऐसा आयोजन है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें खबर करें, जगह आपके लिए ही है। आप कहाँ चलना होगा? दूसरे सिरे पर, टेनिस स्टेडियम की ओर। सीधे दूसरा सिरा? यस, यार यस के होने पर कठिन क्या है, लो आ गए। इस बस का खास रास्ता है, जहाँ तक हो सके निजी वाहन उपयोग में ना लाए, भविष्य में कार पर भी निर्भर रहना ना पड़ेगा। शहर की तमाम राहों से जुड़े साइकिल ट्रैक्स भी बने तथा साइकिल शेयर करने के स्टैंड्स भी हैं। प्रदूषण का सवाल ही नहीं, साइकिल चलाओ, मौज करो। लो, आ गया टेनिस स्टेडियम, अंदर एक मैच चल रही है। स्त्री पुरुष वहां रंग बिरंगी वस्त्रों को पहनकर मैच का आनंद ले रहे हैं।
यहाँ पर दो बैडमिंटन कोर्स भी है। इस स्टेडियम के पीछे की ओर प्रैक्टिस के लिए नेट लगा एक क्रिकेट क्लब भी है। वहाँ हमारे भावी गावस्कर तेंदुलकर प्रैक्टिस करते हैं। इस शहर में सब कुछ है, अस्पताल, स्कूल, मैदान और खेती भी है। गांव की गरिमा को सहजते हुए खूब सजाया है इसे। बंगलों के साथ साथ नई पुरानी इमारतों सहित यहाँ सब कुछ है। इमारतें सबूत है कि शहर किस तरह से बसाया गया। एक ओर छोटे छोटे मकान तो दूसरी ओर विशाल मॉल्स भी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से सजी वो बड़ी इमारत अभी हाल ही बनी है। मॉल और बिजनेस सेंटर एक साथ, वहाँ मल्टीप्लेक्स भी है। उस बड़े रास्ते को देखो, दोनों ओर बनी इमारतें और बहुत सारे पेड़ भी, चारों ओर बढ़िया समृद्ध वातावरण। इसीलिए जोशी रेल टाउन के रहवासी कितने खुश लग रहे हैं। कोई शॉपिंग को निकला है तो कोई कैफेटेरिया में कॉफी की चुस्कियों का मजा ले रहा है, कोई साइकिल की सैर पर। ये पुराना देहात अब आधुनिक सुविधाओं से लैस आधुनिक सुखी शहर कितनी सहजता से बन गया है। अब मेट्रो से दोबारा धाव जोशी टर्मिनल लौटेंगे, आप वहीं से हमारी वापसी होगी। यहाँ से ये रास्ता सीधा पहाड़ की सुरंग में जाता है। पहाड़ी के परे एयरपोर्ट है। कुछ ही सालों में इस स्टेशन से हाइपर लूप भी शुरू होगा। सामने वाला बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है, वहीं पर हाइपर लूप का स्टेशन होगा। इसे अभी शहर के 84 पूर्व लोग मिलाते हैं। सामने जो झंडा दिख रहा है ना, वही पहचान है जोशी रेल टाउन की। प्रति संध्या उसका सम्मान गीत भी गाया जाता है, मानो राष्ट्र गीत ही। शाम होने को है, शहर की बत्तियां लग गई। चलिए यहीं से हम हेलीकॉप्टर से लौटेंगे। जाते जाते जोशी रेल टाउन को हम आकाश से देखेंगे। में बोया है, हम भी उसकी पूरी जानकारी लेंगे और इस कार्य में सहभागी होंगे। मॉडल रेलवे नामक अनोखे शौक से निर्मित ये भारत का दूसरा शहर है। पहला पुणे में है, जो जोशी रेल म्यूजियम कहलाता है। मॉडल रेल नामक शौक भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है, परंतु दुनिया में वो बहुत लोकप्रिय है। कई देश इसके शौकीन है। पुणे के भाऊ जोशी ने इस शहर को अंजाम दिया है, जो है जोशीज़ रेल टाउन।